मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जांच एजेंसियों को चेतावनी है कि कांग्रेस सरकार आई तो एजेंसियों द्वारा मारे गए छापों की जांच करवाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लगातार पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है जांच एजेंसियों को कि कांग्रेस की सरकार आई तो एजेंसियों द्वारा मारे गए छापों की जांच करवाएंगे। ट्वीट देख लीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उन्होंने ईडी को इसमें मेंशन किया है, आईटी को मेंशन किया है, डीआरआई और सीबीआई के अधिकारी को भी मेंशन किया है और कहा है कि सुन ले, जिस दिन हमारी सरकार आ गई सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में समिति बनाकर सब छापों के मामले की जांच कराई जाएगी। अधिकारी अपना रवैया सुधार ले, मोदी जी की सरकार बोखियों पर टिकी कमजोर सरकार है। उनका कहना है कि अधिकारियों को इस सरकार के इशारे पर राजनीति कार्रवाई बंद करनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, ये ट्वीट जो कि कई तरह के सवाल भी खड़े करता है और ये भी बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, लगातार कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करते आई है कि ईडी की कार्रवाई आप गलत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार वापस आएगी तो फिर से जांच कराएंगे, क्या संकेत देना चाहते हैं? देखिए, ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक रही है। पिछली जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे उस समय, उनके करीबी नेताओं अफसरों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई और बहुत सारे नेता अफसर जेल में हैं। आज जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के बाद भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारे मामलों की जांच कराई जाएगी। हालांकि बीजेपी इस मामले को लेकर भी आक्रामक है, आप देखिए, आपने पहले ही दिखाया कि बीजेपी आक्रामक है और बीजेपी ने इसी प्रदर्शन के बाद एक पोस्ट भी किया है, पोस्टर वार छिड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में। हम देखते हैं कि जब भी छत्तीसगढ़ में कोई मामला उठता, राजनीति गर्म होती है तो ट्विटर वार और पोस्टर वार शुरू हो जाता है। जी देखिए, बीजेपी ने सुबह ही पोस्ट किया था क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था पहले से तय था और बीजेपी उन लोगों की याद दिला रही है जो कांग्रेस सरकार में काफ़ी ताकतवर थे और अभी जेल में बंद हैं। उन लोगों की तरफ से एक तरीके से कार्टून जारी करके तंज भी कसा है बीजेपी ने कि हमको तो, हमारे लिए भी तो बात करिए, आपकी सरकार में हम थे और आज जेल में हैं। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, सेबी का जो पूरा मामला है, उसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी तंज कस रही है और कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, अब देखते हैं किस पर आगे और कितनी राजनीति होती है। तमाम जानकारी के लिए मृगेंद्र, शुक्रिया आपका।